आज का पहला सवाल है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? हिरण, सिंह, हाथी या फिर नीलगाय? चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है सिंह। आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया हो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? 5:3 या फिर 3:2 या फिर 3:4 या फिर 5:4। तो इसका सही जवाब है 3:2। अगला प्रश्न है, रुपए 200 के नोट पर किसका चित्र छपा है? ताज महल, हम्पी, लाल किला या फिर सांची के सपूत? सही जवाब है सांची के सपूत। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 24, 26 या फिर 28? और सही जवाब है 24। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से है? संख्या सिद्धांत, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर अंतरिक्ष वैज्ञानिक? इसका आंसर जल्दी सोच। सही जवाब है अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अगला हमारा प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, न्यूटन, जगदीश चंद्र बसु या फिर जेनर? सही जवाब है मार्कोनी। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से भारतीय वैज्ञानिक का चयन कीजिए, बताना इसमें कौन भारतीय वैज्ञानिक है? एडिसन, क्यूरी, हरगोविंद खुराना और गैलीलियो? सही जवाब है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, जरायुज जंतु का चयन करें, चूहा, कौवा, मछली या फिर छिपकली? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चूहा, क्योंकि इसका आंसर आपको लगाने में शायद कठिनाई रही होगी, क्योंकि आपको जरायुज का अर्थ नहीं मालूम था। जरायुज का अर्थ होता है वे ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी कौवा, मछली और छिपकली ये सब अंडे देते हैं। धन्यवाद, पुनः मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो।